कंपेयर किए जाने का जो दुख दर्द है ना, वो हम सब ने झेला है बीइंग एन आईटी एस्पिरेंट। कभी हमारे रिलेटिव हमारा कंपैरिजन किसी कजन टॉपर के साथ करा देते हैं, कभी माँ बाप हमारे कोचिंग और स्कूल के टॉपर के साथ हमारा कंपैरिजन कर देते हैं, कई बार हम खुद क्लास में उन स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन करने लगते हैं जिनके मार्क्स हमसे ज़्यादा आते हैं, और खुद से खुद को बहुत दुख पहुँचाते हैं। तो इस कंपैरिजन का इलाज आज मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू करने वाला हूँ, जो माइट भी आपको थोड़ा फनी लगे बट है वो बहुत सटीक। ये एग्जाम्पल है बल्ब का। हम सभी आईटी एस्पिरेंट्स बल्ब जैसे, जिस तरह से ढेर सारे बल्ब होते हैं अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग स्ट्रक्चर के, अलग अलग कलर प्रोड्यूस करने वाले, ठीक वैसे ही हम और आप जेई के एस्पिरेंट्स सभी डिफरेंट डिफरेंट नाम से आते हैं, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट स्टेट से आते हैं, डिफरेंट टाउन और सिटीज और गली मोहल्ले से आते हैं। तो जैसे ढेर सारे डिफरेंट बल्ब हैं, लेकिन देयर इज द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच एंड एवरी बल्ब, ठीक वैसे ही हम जेई एस्पिरेंट्स भी अलग अलग हैं, बट हम भी उन्हीं एलिमेंट से बने हैं जिनसे कि कोई दूसरा बना है, कोई टॉपर भी उन्हीं पीरियोडिक टेबल के उन्हीं एलिमेंट से बना है जिनसे कि हम बने हैं। देयर इज द सेम सिंगुलर एनर्जी फ्लोइंग, देयर इज द सेम सिंगुलर एनर्जी प्रेजेंट इन ईच वन ऑफ अस। तो अगर कोई दूसरा कैपेबल है तो हम क्यों कैपेबल नहीं है? हम सब भी कैपेबल। जरूरत है इस बात को पहचानने की, जरूरत है इस बात पर यकीन करने की कि यस आई कैन। जरा सोचो, अगर ये बात सही नहीं होती तो क्या वो लड़का जिसने जेई पास किया था और आईटी खड़गपुर में एडमिशन लिया था और उसके दोस्त जिस ब्रांच को नहीं ले रहे थे, उसने उस ब्रांच को लिया, उस ब्रांच में एडमिशन लिया, उस ब्रांच में पढ़ाई की मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, और खुद पर यकीन रखा, खुद की एनर्जी पर यकीन रखा, अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा रखा और बाद में आगे चल करके गूगल का सीईओ बना। सोचो, वो लड़का जिसने फिजिक्स ग्रेजुएशन की थी और मद्रास के कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, अगर वो लड़का भी खुद पर यकीन नहीं रखता, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एनर्जी पर भरोसा नहीं रखता, अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा नहीं रखता, तो क्या वो आगे चल करके एपीजे अब्दुल कलाम बन पाता? अब समझ गए होगे इस कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलैरिटी को। हम सभी बल्ब जैसे हैं और हम सबके अंदर जो करंट है वो हमारी सिंगुलर एनर्जी है। इस एनर्जी को पहचानो, बाहर निकालो और जेई के सफर में झोंक दो। रिजल्ट चाहे जो भी हो, बट ये सफर बहुत ही शानदार, बहुत ही यादगार बन जाएगा। ऑल द बेस्ट।